हाय एवरीवन, आज है 23 जुलाई 2021 और भाई ने मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर दिया है कोविड वैक्सीन का, जो पहले ख़त्म हो गई थी लेकिन अब दोबारा आ गई है, तो अच्छी बात है। अभी मैं लगवाने जा रही हूँ और भाई मुझे लेके जा रहा है। मुझे वैक्सीन लगवानी है, काफ़ी बड़ा है, मतलब मैं नीसी में लगवाने के लिए, ताकि थोड़ा नीट एंड क्लीन है, इतना वेट करा है। तो यहाँ आने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन अपॉइंटमेंट लिखाना होता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए करना होता है कि अपना डेट ऑफ बर्थ लिखो, अपना नाम लिखो, मोबाइल नंबर लिखना होता है, जिससे तुमने अपॉइंटमेंट लिया है जो रजिस्टर्ड होता है, और एक सीक्रेट कोड होता है तुम्हारा अपॉइंटमेंट में ही, वो लिखना होता है, उसके बाद तुम अंदर जाओगे लगवाने के लिए। भीड़ की हालत देख रहे हो, सही बात यह है कि मैं बैठी हूँ, वरना खड़ी होती ना तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता, मेरे भाई को फराना पड़ा था। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? फाइन सिटी में कदर सिटी में फाइन लग गया, और हमारा जो वो था रजिस्ट्रेशन टाइप, वो हमारी ही उधर की परिषद ने करा था, क्या मंजिला गुप्ता जी ने। तो वैक्सीन मेरी लग गई है, मेरा बहुत छोटा प्रोसेस था, एक ही कमरे में सब हो गया, और इसका तो हाँ इसका लंबा प्रोसेस था, पहले पार्किंग में घुस के पहले पर्ची लो, फिर और लंबी लाइन में लगो, फिर एक फ्लोर ऊपर चढ़ो, फिर वहाँ पर्ची दिखाओ, ओके लिखाओ, फिर आगे जाके वैक्सीन खुद लो, फिर वहाँ से बाहर। मेरा बहुत ही छोटा था और मैं बहुत ही वो हूँ कि मेरे तो हॉल में भी एसी चल रहा था और बैठने के लिए भी जगह थी, अच्छा हुआ मैंने बाद में लगाया नहीं। और ये वैक्सीन लग क्यों रही है? कोरोना की वजह से, क्योंकि 2019 में आया था, ये फ्यूचर में जो वीडियो देखेंगे उनके लिए है, बट डेढ़ साल घर पर बिताना कैसा लगता है, जो जबकि स्कूल चल रहे हो ऑनलाइन, अलग ही लेवल पर ज़िंदगी जिए भाई हमने।